हर कोई शख्स ताकत के बलबोते पे, चाहे वो जर्नल हो चाहे वो जज हो, काजी फैज़ ईसा की तमक्कुनत अभी भी हम नहीं भूले, उसका तकब्बुर, उसकी अवाम के साथ वकला के साथ बेरुखी, बदतमीजियां। अल्लाह की शान है जो अपने अदालत में लोगों की तवहीन किया करता था, आज दुनिया भर में खुद तवहीन उसके साथ हो रही है और शायद ये मरते दम तक उसका मुकद्दर होगी। अल्लाह की शान है मुशर्रफ के मुखिया भूल गए जो लहराया करता था कि इधर हम हैं और हम बताएंगे, वही मुशर्रफ था लागिर कमजोर, रियासत कानून और आइन से भागा हुआ, मरते दम तक उसको इस धरती पे सांस लेना नसीब नहीं हुआ। ओजियाउलक जिसकी वो जंगली भेड़ की तरह वो दान थे, भूल गए कि जब मरा, आज भी हमें इलम नहीं है कि फैसल मस्जिद में इसके कब्र में जो हड्डियां पड़ी हैं वो इंसान की हैं कि किसी जानवर की है। किसी को ये इलम नहीं है कि साबिका आमिर यानी कि याया खान और पेशरो अयूब खान, किसी को इलम नहीं है कि इनकी कब्रें कहां पे हैं। आज और ये तारीख के कोड़े हैं जो लगे हैं उन तमाम लोगों पे जिन्होंने अपने वक्त में अपने आप को फिरौन साबित करने की कोशिश की। ये वो थे जो इंडिस्पेंसेबल थे, जो अपने आप को नागजीर समझते थे। तो लिहाजा जिस जिस शख्स ने इस पाक धरती के लोगों के साथ, इनके वसाइल के साथ, इनके कवानीन के साथ जबर जलम या किलवाड़ की कोशिश की, तारीख ने ऐसे अबरतना कोड़े इन पे बरसाए हैं कि आज उनके वजूद की रिंग जो है बाकियात वो भी किसी को देखने को नहीं मिल रही है। न किसी को शक्ल दिखा सकते हैं, और ये बात जर्नेलों तक महदूद नहीं है, जजों की मिसाल लें, यही इफ्तिखार चौधरी, मुझे याद है 2013 में जो सदर था, ये जब रिटायर हो रहा था तो किसी ने कहा इस्लामाबाद बार उनके लिए खाना करेगी, तो मैंने कैबिनेट को कहा आएगा तो मैं इसको गंदे अंडे मारूंगा, और नहीं आया। इफ्तिखार चौधरी यानी कि कितना बड़ा फिरौन बन गया था। फिर साकिब निसार को हमने देखा, बंदियाल को देखा, खोसा को देखा, यानी कितने छोटे साबित हुए इतने बड़े मनासिब पे बराजमान लोग, और फिर काजी फैज़ ईसा की शक्ल में हमने सबसे बड़ा अदालती खबीस देखा। ये मुनसिफ इसको कहना, इसके आमाल जो है जो इसने पाकिस्तानियों के साथ किया, पीटीआई को निशाना बनाते बनाते वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर गए। आज ये 26वीं आईनी तरमीम राव उसने अमवार की मिली भगत करके। अब नून के लोग चीख रहे हैं कि जी हम इंग्लिस्तान में जिन लोगों ने घर से गालम गलोच नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सिविलाइज मुआशरे में सिविलाइज तरीके से किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना हर एक का बुनियादी हक है। आप धमकियां दे रहे हैं हम पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, हम हैं ना, आप ब्लॉक करें हम खुलवाएंगे, जिस जिस का आप ब्लॉक करेंगे हम खुलवाएंगे। और सबको ये याद रखा जाना चाहिए जो आज मनासिब पे बराजमान है, जिस तरह वो बाजवा की फ्रांस में शायद वीडियो आई थी जब उसको पढ़ रही थी गालियां, और ये फैज़ ईसा को ये दर्ज लें पाकिस्तान के कानून के साथ, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के साथ जो जो खेलेगा अवाम ने माफ नहीं करना है। तो लिहाजा पाकिस्तान
स्मोक का शिकार, स्मोक